देखो भाई गाड़ी की कंडीशन क्या है इस वक्त। सबसे पहले ग्लास देख लो, ये बोनट देखो, हाथ लगाऊंगा कंकर पत्थर है सब। ये हालत सब ये देखो। क्या बोलते हैं इसको? भटमास सादे को। मजा आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये बैठे हुए थे यार नीचे, ग्रीन एरिया यार, नेचर में रह रहे हैं। मैं किसी को ऐसे मारता नहीं, आराम से पहले ग्लास में पकड़ा, उसके बाद फिर ट्रे में यहाँ ले। आप इसको नीचे जा रहे हो लैंड कराने। तो भाई ये बैठा है, अब चला जाएगा। यही बेनिफिट है इन पैंट्स का यार। देखो पानी गिरा, गीली नहीं हुई, ये है ना पानी साफ। लगभग 8000 किलोमीटर के बाद इसका थर्ड वॉश है। तो ऐसे ही जब कोई होटल आता है तो मैं वहाँ पे अपना ट्रैश गिराता हूँ। इसका जो मेक है ना इस होटल का, बड़ा ही प्लान है यार। पार्किंग स्पेस है अच्छी, बाहर सिटिंग स्पेस है, वहाँ हाईवे 75 कॉफी बीन कॉफी बनाते हैं, नो डाउट भाई कॉफी बहुत अच्छी है, कल मैंने पी थी। ये इनका सिटिंग एरिया। ब्रेकफास्ट आ चुका है, 8:08 का समय हो गया, 8:30 तक मैं खोल देंगे और निकलते हैं फॉर गोवा। तो यार टाइम टू गो, होटल हाईवे 75। बिल्कुल होमली फील हुआ, होटल इतना हाइजीन प्लेस है, क्लीन और खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ। टाइम हो चुका है 8:35 का, पसीने नहीं सूख रहे हैं भाई, गाड़ी साफ करी थी, नहाना ना नहाना सब बराबर हो गया। टोटल डिस्टेंस अभी यहाँ से 128 किलोमीटर का, 5 घंटे का रास्ता बता रहा है, 2 बजे का रीचिंग टाइम। पेहवा लेक खारा के एकदम सेंटर में पड़ती है, तो सबसे पहले पहुंचते हैं पेहवा लेक और वहां से देखते हैं क्या प्लान है आगे के। शुरुआत करते हैं, धूप चली गई है और ऊपर अगर देखोगे ना यार वो क्लाउड्स, बहुत ही बढ़िया ट्रांजिशन हो रहा है। और ये पकड़ लिया हमने हाईवे, तो ये इस होटल का बेस्ट है। आज हमारा है day 5 इन नेपाल, देखते हैं रोड आज का कैसा रहता है। लो जी शुरुआत हो गई है लैंडस्लाइडिंग जोन से, देखते हैं कितनी देर में खुलता है। तो रोड पे निकल जाते हैं तो यार हो जाते हैं एक्टिव, तब याद आता है कि हाँ वो जो सुबह 6 बजे वाला जो अलार्म था उस अलार्म पे उड़ जाना चाहिए था। रोड की कंडीशन पता नहीं है क्योंकि इस रोड में गड्ढे बहुत सारे हैं, तो एक स्पीड जो है ना रोड खाली होने के बावजूद भी, और अच्छी रोड है चौड़ी है और खाली होने के बावजूद भी ना मेंटेन नहीं हो पा रही एक बेसिक स्पीड भी, क्योंकि गड्ढे अचानक से आ रहे हैं भाई। अब देखना वो त्रिशूली रिवर का एकदम डिफरेंट फेस। कल यानी पिछले एपिसोड में को मैंने लास्ट में दिखाया था इवनिंग में, और अभी वाला जो व्यू है ना ये कम्प्लीटली डिफरेंट व्यू है। अच्छा आउट यार, बिल्कुल उस पहाड़ से पीछे से घूमते आ रही है। और ये देखो यार इस रिवर का व्यू कैसे इन पहाड़ों के बीच से निकलती, इतनी खूबसूरत लग रही है ना यार ये रिवर। और नीचे तो ये वाला पोर्शन तो ऐसा लग रहा है जैसे बीच एरिया है पूरा, बट जाना नहीं है वहां पे, पाँव रखते ही पाँव अंदर घुस जाएगा, वो एकदम दलदल चीज है। लेकिन यार फ्लो देखो रिवर का क्या मस्त है ना, इसके किसी भी एरिया पे कहीं पे भी गाड़ी जाती होती ना मचा करके नीचे, अब भी टेंट डाल लेता, पोखरा छोड़ देता, क्योंकि जो ये व्यू है ना बहुत ही ऑसम व्यू है यार। लग तो रही है मेडिकल शॉप जैसी, गला है ना डस्ट चढ़ गई है, पता करके आता हूँ हॉल से विक्स वगैरह होगी। एलर्जिक फील हो रहा है, क्रेव फ्रेशो ये ले लिए, 10 रख लेते हैं यार, ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मल है मतलब, तो कफ कोल्ड नहीं है। चलो चलते हैं। जिस रोड से काठमांडू में गया था ऊपर, वो रोड तो ऑसम, रोड वाइज भी और व्यूज तो पूछो ही मत। सबसे पहला तो ये है जो सुनौली से आता है, जिसपे मैं अभी चल रहा हूँ, ये वाया पोखरा काठमांडू जाता है। अगला है त्रिभुवन राजमार्ग, वो जब आप रक्सौल की तरफ से एंटर करते हैं ना तो वहाँ से एकदम सीधा चलते जाना है। इसका ज्यादा बुरा हाल बताया, उससे बेटर मुझको ये लग रहा है, क्योंकि दिल्ली काठमांडू जो बस सर्विस है ना वो भी इसी रूट से आता है। और जो थर्ड है वो बर्दी बास के पास से एंटर करता है, मतलब अगर आप ककरबित्ता से आएंगे सिलीगुड़ी साइड से तो आपको वही लेना चाहिए बीपी। और अगर आप इवन रक्सौल से आ रहे हो ना तो वहां से अगर आप बी वाला हाईवे डाल दोगे ना बीपी राजमार्ग, थोड़ा आपको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मजा ही आ जाएगा आप। बट मेक श्योर कि थोड़ा ड्राइविंग स्किल्स अच्छे हों आपके। पोखरा 92 किलोमीटर। लो जी ये है पूरा लैंडस्लाइडिंग जोन, जैसे बोला रोड अच्छी चल रही है, स्मूथनेस आ गई है रोड में, सारी स्मूथनेस बाहर निकल गई। लैंडस्लाइड एरिया देखा, अति पहियों ग्रस्त क्षेत्र, एक तरफ से बचाऊंगा दूसरी तरफ लग जाना है। अरे घुस गई घुस गई घुस गई पूरी घुस गई।
चलो अच्छे से नीचे गाड़ी का जो बेस है और टायर अच्छे से धुल गए हैं। ये बहुत ही लंबा पैच है, ट्रैफिक भी है, मतलब अपना बेस्ट साइड देख के नहीं जा सकते यहाँ पे, यहाँ तो पूरा गारा है। टायर धोए थे मैंने पीछे अभी ना वहाँ पानी में, लेकिन मजा आ गया भाई ऑफ रोडिंग करके। मैं यही सोचा था नेपाल में ऑफ रोड मिला नहीं अभी। तो क्या कंडीशन है, सुबह थोड़ी साफ कर दी थी, टायर एकदम मस्त हो चुके हैं। और ये देखो धूल, देख रहे हो भाई क्या कर दिया इसने, पूरी स्क्रीन मिट्टी में हो गई है, पूरा कैमरा मिट्टी हो गया है। और इस वक्त मिट्टी इतनी ज्यादा है शीशे के ऊपर ना, वाइपर चलाया तो शीशे पे स्क्रैच भी आ सकते हैं। एबिलिटी खत्म हो चुकी है भाई। वो देखो वो आ रही है, पता नहीं भाई ये कितने दूर तक, ये रोड है ही नहीं, वो भी रुक गया देखो, क्योंकि विजिबिलिटी खत्म हो जाती है बिल्कुल ही। इसलिए नेपाल में बहुत टाइम लग रहा है भाई, बहुत टाइम। देखो भाई गाड़ी की कंडीशन क्या है इस वक्त, सबसे पहले ग्लास देख लो, ये बोनट देखो, हाथ लगाऊंगा कंकर पत्थर है, सब पूरा खराब हो जाएगा। और ये देखो भाई कंडीशन, देखो भैया क्या हाल है इसका रोड का, और ये बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं यहाँ से, क्या कंडीशन है, पूरी मिट्टी में मैं भी सन चुका हूँ अब तो यार। मिट्टी पसीना मतलब क्या नहीं बचा, मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये देखो मेरे शू, ये देखो हालत, ये हालत सब, ये देखो भाई मेहनत मैं बहुत करता हूँ, आप लोग भी लाइक और कमेंट किए बिना जाना मत, सिर्फ ये वीडियो बनाने में और एक इंस्टा का शॉट लिया है यहाँ पे। जो हालत हुई है ना नीचे से ऊपर तक मैं ही जानता हूँ, अब आगे जब भी रोड खत्म होगी वहाँ पे बैठ के हाथ में धोऊंगा, यहाँ धो के फायदा नहीं है, जैसे टैंक से धो के आऊंगा तब तक हो जाएगा मेरा काम दोबारा। चलो चलते है, पानी नहीं है पसीने। ऐसा मन करा कहीं नदी आ जाए और इसको भी डुबकी लगा दूं और खुद भी डुबकी मार लूं। एक और विक्स की जरूरत है अब, अपनी गाड़ी डर्ट में, हम भी डर्ट में, मैंने अपने में और इसमें कोई फ़र्क नहीं समझा यार, साथ खाया है खिलाया है, कभी इसको ही ज़्यादा खिला दिया है, इसको अपने से पहले खिला दिया है, ध्यान रखा इसका, अपने नहाने से पहले इसको नहला दिया, नहीं अपनी गाड़ी का नाम है एक और वो नाम है पैंथर। पैंथर क्यों रखा है कि जब अभी कोई नाइट कैंपिंग होगी ना तो इसकी लो लाइट्स जला के जब मैं दिखाऊंगा आपको, आपको यही लगेगा कि कोई ब्लैक पैंथर खड़ा है। 79 किलोमीटर्स टू गो, 3:15 का टाइम हो गया 2:30 बजे, तो मतलब मैंने 45 मिनट यहाँ पे दे दिया। 7 किलोमीटर हो चुके हैं इस पैच को, एक जैसी ही रोड है भाई सारी। अरे बहुत बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ा पैच है भाई ये, 64 किलोमीटर और बाकी 15 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहा है, जो देख रहे हो रोड है ही नहीं और एक ही साइड सब चल रहा है। ढाबे आए हैं कुछ लाइन से भाई, हालत देखो, ये बोल रहा था मैं ग्लास की, यहाँ पानी डालूंगा मैं इसके ऊपर, लेकिन वाइपर नहीं चला सकता क्योंकि अगर वाइपर चलाया ना तो जहाँ जहाँ ये कुछ है ना स्क्रैच मार देगा। देख रहे हो कैसी क्लेई सी मिट्टी, एकदम लग रही है ना बिल्कुल डर्ट कार ऐसे, ये इतनी मोटी परत मिट्टी की, ये देखो तो रखी हुई है भाई। चलो जी खाना वाना खा लिया है, 2:23 का टाइम हो चुका है, 60 किलोमीटर्स। और अपडेट ये है इस रोड के बारे में, अभी एक जो लोकल बस चलती है ना डेली, तो उससे पूछा मैंने, तो पोखरा और इधर ही चलती है, तो वो कह रहा है कि भैया पोखरा तक यही है। और मैंने पूछा यार ये रोड कब से ऐसी है, तो कह रहा है लगभग 2 साल तो हो गए, तो कुछ बन नहीं रही भाई, ऐसे ही है पोखरा तक ऐसे ही है। 5 बजे का रीचिंग टाइम हो चुका है, चलते रहते हैं, बहुत बुरा हाल है भाई। थर्ड गियर बहुत रेयर लग रहा है, थर्ड गियर बहुत रेयर। अभी धोया था ना मैंने शीशा, इतने मैंने खाना खाया है, मतलब 20 मिनट का मैंने टोटल टाइम लिया होगा यहाँ 25 मिनट का। ये जो लोग रोज यहाँ चलते हैं, चाहे कमर्शियल वालों की मैं ज्यादा बात करूंगा क्योंकि इनका तो डेली का है, कितनी डिफिकल्ट लाइफ है इनकी, इनकी गाड़ी का कितना मेंटेनेंस कॉस्ट आता होगा यार, कितनी टूट फूट होती होगी। पोखरा टू काठमांडू कैसे जाते, रोड देखो
है ही नहीं रोड ये तो, इसको मैं तो बहुत अच्छा रोड कहूंगा यार, मैं तो इसको रोड मान रहा हूँ। इसमें कम से कम मैंने थर्ड गियर में तो डाल दिया, काठमांडू से उतरा तो पहला 10 किलोमीटर, इतने बड़े बड़े गड्ढे भाई, मतलब डायरेक्ट नीचे उतरना है गाड़ी को, इतने बड़े बड़े गड्ढों में से उतरेगी वो भाई। अगर नेपाल आने का प्लान बना रहे हो ना, बाय रोड मत आना, बाय प्लेन आ जाना, बस इतना ही बोलूँगा। कहीं की भी अगर इस तरह की रोड हो ना तो यार वहाँ की पब्लिक को बहुत झेलना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। तो भाई एक काम तो बहुत अच्छा हो गया कि मुझको मिल गई शानदार कॉफी, थैंक यू सो मच। हेलो, सबने मिलके इतना अच्छा वार्म वेलकम कर दिया, जैसी गाड़ी खड़ी करी मैं आया मुझे पता ही नहीं है यहाँ मेरा चैनल भी चल रहा है। 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, लगभग 2 घंटे आराम से लगेंगे यार, क्योंकि यहाँ पे घंटे भर में 10 से 15 किलोमीटर मैक्स इतनी एवरेज आ रही है। 31 किलोमीटर 6:11 का रीचिंग टाइम, इसके हिसाब से तो नहीं चलेगा, अभी 5 बज रहे ना, 6:30 किलोमीटर और बचा है, 6:30 बजे का टाइम भी हो गया है और सामने क्लाउड्स देखो यार मस्त। 2:30 बजे 3 बजे का टाइम गूगल दिखा रहा था। आई एम ऑफिशियली इन पोखरा और 3.3 किलोमीटर अभी पेहवा लेक बता रहे हैं, शहर काफी अच्छा लग रहा है। हाय नमस्ते बड़ी, थोड़ा आगे जाइए, चलिए आगे जाके बात करते हैं, आ जाओ। In 300 meters, continue straight onto Feva Marga. ये मैंने मंगाया आलू का पराठा और ये कोई चटनी है बट अच्छी है, फ्राई किया और ट्राई। 850 meters और है, तो यहाँ कोई होटल है। So we have finally, room is done, neat and clean bathroom. ये है बालकनी और ये है आउटर व्यू। टाइम हो रहा है 7:39 का, मींस 8 बज चुके हैं नेपाल में। क्या पता था यार 126 किलोमीटर में 9-10 घंटे भी लगते हैं, हमें अराउंड 9200 किलोमीटर तो रोड थी नहीं, तो वही चैलेंज था। और मैंने सोचा था कि यहाँ पे पहुंच करके कैंप करेंगे, तो आज day 5 खत्म हो गया है मेरा नेपाल में, टोटल 7 डेज का परमिट है। कल day 6 है, मुझे 250 किलोमीटर कम से कम कस्टम ऑफिस जाना पड़ेगा अब इसको एक्सटेंड कराने के लिए। कल अब निकल जाएंगे सीधा भैरवा के लिए, 180 something किलोमीटर होगा। तो रखते हैं इस एपिसोड को यहीं तक, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट यार, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, स्टे सेफ।